आपको खबर पर जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, कौन हो सकता है इसके पीछे? लगातार धमकी कांड चल रहा है और उससे सरकार में, अधिकारियों में, विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है। वंदना, जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बताया कि कोई आतंकी संगठन नहीं है, जो उसकी भाषा है उससे भी नहीं लगता कि कोई आतंकी संगठन है जी। ये बेसिकली कोई शरारती तत्व है, ऐसा व्यक्ति है जो कि सॉफ्टवेयर और इंटरनेट को बहुत बेहतर तरीके से समझता है जी। क्योंकि जिसको रंगदारी करनी होती है वो 11 विधायकों को, पत्रकारों को, सबको एक साथ कोई रंगदारी नहीं करता, क्योंकि जिसको रंगदारी करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करता है जी। और उससे वो उगाही करता है या रंगदारी करता है जी। अब बेसिकली जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जो एजेंसीज कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लैप्स है। वो लैप्स होने का कारण ये है कि बार बार वो यूएस के गेटवे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के गेटवे की बात कर रहे हैं जी। कोई व्यक्ति यूएस में बैठकर या पाकिस्तान में बैठकर यहाँ के लोकल पत्रकार, यहाँ के लोकल विधायकों को, लोकल नेताओं को धमकी देने का उसका कोई मोटिव मुझे साफ दिख नहीं रहा जी। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश में बैठा है और इंटरनेट सिस्टम के साथ खेल रहा है। बेसिकली होता क्या है, ये बार बार जो एजेंसीज हैं, जो उत्तर प्रदेश की या जो भी जांच एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, पुलिस जो भी लगी हैं, उनका कहना है कि यूएस का गेटवे यूज हो रहा है। यूएस का गेटवे यूज नहीं हो रहा है जी। आईपी एड्रेस हिंदुस्तान का ही है। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में ही बैठकर क्या है, अब एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं रैबिट वीपीएन जी। जब आपको सपोज करिए आपका आईपी एड्रेस एक 9 डिजिट का या 10 डिजिट का या 12 डिजिट का आपका आईपी एड्रेस है जी, वो आईपी एड्रेस जब हम किसी भी इंटरनेट सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो वो आईपी एड्रेस जाता है जी। पहला रजिस्टर जो फुटमार्क होता है वो उस आईपी एड्रेस का होता है। उसके बाद आप अपना, जब आप सिस्टम वीपीएन को ऑन करते हैं तो आपकी आईपी हाइड हो जाती है। उस आईपी को हाइड करने से पहले वीपीएन आपसे ये पूछता है कि आप किस कंट्री में होस्ट करना चाहते हैं जी। अभी फिलहाल तकरीबन 13 कंट्रीज या 14 कंट्री ऐसी हैं जिनके यहाँ पर वीपीएन को होस्ट करके आईपी को चेंज किया जाता है जी। इससे ज्यादा कंट्रीज अभी नहीं है क्योंकि कुछ ही कंट्रीज हैं ऐसी जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हैं, यूके, यूएस। यूएस में ज्यादातर होस्टिंग प्रोवाइड होती है, ह्यूस्टन में या कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, कई ऐसे इंटीरियर के कुछ जगहें हैं जहां पर सर्वर्स लगे हुए हैं, वहां की आईपी एड्रेस यूज होता है। तो बेसिकली व्यक्ति हिंदुस्तान में ही है जी। अब ये जो है जांच एजेंसियों को ये देखना चाहिए कि वो जो रैबिट वीपीएन का इस्तेमाल, जो अपनी वीपीएन को जो इस्तेमाल कर रहा है अपनी आईपी को हाइड करने के लिए कर रहा है, वो चेक ये करें, चाहे वो गूगल की मदद लें या जिनकी भी मदद लें, कि सबसे पहले उस आईडी पर अपनी जो आईपी एड्रेस आ रहा है, जो होस्टिंग यूएस या जहां भी दिखाई जा रही है, उस आईपी में लॉगिन करने से पहले जिस आईपी एड्रेस ने लॉगिन किया वो आईपी एड्रेस क्या है जी। बिल्कुल उमेश जी, वजह क्या हो सकती है? बीजेपी विधायकों को ही बार बार टारगेट किया जा रहा है। ये कोई व्यक्ति है जो माहौल थोड़ा सा खराब करना चाहता है, क्योंकि भाई जब किसी विधायक को, सांसद को, नेता को, पत्रकार को धमकी आती है तो माहौल ऑब्वियसली खराब होता है, मीडियाबाजी होती है, खबरें छपती हैं, चैनलों पर चलती हैं, तो एक भय का माहौल तो बनता ही है जी। अब ये किस एंगल से किया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चुनाव भी अब सर पर हैं, उसके अलावा प्रदेश की राजनीति में भी बहुत कई तरीके की अलग अलग चीजें चल रही हैं, उठा पटक चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल को खराब करने के लिए, कुछ चीजों से नजरें हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए जी। ये कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में बैठ के अपनी आईपी को हाइड करके इसका इस्तेमाल कर रहा है। जांच एजेंसियों को ये देखना चाहिए कि जो एड्रेस इनके पास आ रहा है, जहां से आ रहा है, उस वो वहां की सर्वर को या वहां के होस्टिंग प्रोवाइडर को संपर्क करके पूछें कि भाई आपके, हमारे हिंदुस्तान से आपके यहाँ इस प्रकार की कौन सी आईपी एड्रेस है जिसने लॉगिन किया है और आपके यहाँ होस्टिंग ली है जी। भाई ये कहना कि दाऊद के साथ का कोई व्यक्ति है, उसका पुराना था, ऐसा कहा जाता है जी। भाई ये सब नाम तो जानकर ऐसे नाम जोड़े जाते हैं जिनसे सेंसेशन हो जी। अब सबको ले दे के हिंदुस्तान में एक दाऊद मिलता है,
किसी व्यक्ति को धमकी आती है तो उसको भी दाऊद की आती है, छोटा शकील की आती है, इससे नीचे धमकी नहीं आती है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति की सुरक्षा छिनने वाली होती है या कुछ होता है उसको भी धमकी छोटा शकील की या दाऊद की आती है, इससे नीचे धमकी नहीं आती है। जी, तो ये सब सारी चीजें देखने वाली हैं कि क्या है बेसिकली। बस अब जांच एजेंसियां ये देखें कि होस्टिंग जो हो रही है, होस्टिंग, उस होस्टिंग को ले कौन रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पता करना। जितना समय जांच एजेंसियां लगा रही है इतना समय लगता नहीं है। जी, अब यह हो सकता है कि जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया और बताना ना चाह रही हो जब तक वो उस व्यक्ति को पकड़ ना ले, क्योंकि अगर बात खुल जाएगी तो वो व्यक्ति फरार हो सकता है, भाग सकता है। जी बिल्कुल, बेसिकली ये पूरा मामला ये है। ये अब क्या है कि अब आज लोगों को पता लग, अब काफी लोगों ने सुन भी लिया है, पता भी है, लोगों को जानते भी हैं कि रैबिट वीपीएन का इस्तेमाल क्यों होता है। आप अगर ऐप स्टोर में जाएंगे, आप रैबिट वीपीएन लिखेंगे तो कई सारे सॉफ्टवेयर आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जो आपके मोबाइल की आईपी को हाइड करते हैं। जी, तो अब ये देखते हैं कैसे इसको करेक्ट करेंगे। बिल्कुल उमेश जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो कह रहे हैं कि कहीं ये दुश्मन देश की एजेंसी का काम तो नहीं है, इसको लेकर जानकारियां खुफिया एजेंसी को दी जा रही है, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी इसी को लेकर पड़ताल भी कर रही है। कुछ नहीं है, सिर्फ सेंसेशन फैलाने का काम है। कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा मामला है, क्योंकि जब कोई दूसरी देश की जांच एजेंसियां या दूसरे देश के दुश्मन जो है इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते हैं तो वो कोई एक पर्टिकुलर प्रदेश के अंदर पर्टिकुलर पार्टी के या किसी के विधायकों को धमकी नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल ये शरारत लग रही है और किसी आतंकी घटना से इंकार किया जा रहा है। अधिकारी जो लगातार पड़ताल कर रहे हैं उनका भी यही कहना है।